हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने अमेज़ॉन से एक नया प्रोडक्ट ऑर्डर करा है अपनी कार के लिए, और ये प्रोडक्ट है वेलकम कार डोर लाइट्स। और इसको हम इंस्टॉल करेंगे आज अपनी वेन्यू में, और आगे चल के देखेंगे इस वीडियो में कि क्या लुक आती है वेन्यू में हमारी। तो बिना किसी देरी के इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रोवाइड किया गया है। पहले तो ये दो एडहेसिव टेप दिए गए हैं डबल साइडेड, और ये हमारी दो मेन यूनिट दी गई हैं, और यहाँ पे ये दो मैग्नेट्स भी दिए गए हैं। ये मैग्नेट्स क्या काम आएंगे, किस चीज़ के लिए, वो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको साइड कर देता हूँ। ये हमारा मेन यूनिट है, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक ऑन ऑफ के लिए बटन भी दिया गया है, और यहाँ पे ये सेंसर दिया गया है। इस सेंसर का क्या काम है, कैसे वर्क करेगा, वो भी आप आगे जानोगे। तो जल्दी से मैं इसमें फ़िलहाल अभी 3 AA बैटरीज लगेंगी, वो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये अपने आप ऑन हो चुका है अभी फ़िलहाल, बैटरीज डलते ही। यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं जब भी प्रोडक्ट आप ज़्यादा दिन के लिए यूज़ में नहीं रखना चाहेंगे। ये मैग्नेट का क्या काम है और ये कैसे वर्क करेगा, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली सेंसर दिया गया है। अब ये मैग्नेट जब इस सेंसर्स पे आएगा, आप देखोगे ये ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये इसका एक बेसिक प्रोसीजर है, और इसकी जो प्रोजेक्टर जो लाइट है उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। चलिए बिना किसी देरी के इसको कार में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कैसा लुक आता है हमारी वेन्यू में। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ अपनी वेन्यू में, और इसको चलिए इंस्टॉल करते हैं। ये वाला जो कट दिया गया है, ये आपके मैग्नेट के लिए दिया गया है, कहीं आप इसको फेंक मत देना या कहीं और मत एक साथ ही लगा दीजिएगा। 2 hours later. पहले मैं इसको गेट पे चिपका लूंगा, और इसके हिसाब से फिर जो है मैं वो मैग्नेट इसके नीचे चिपका दूंगा, ताकि वो मालूम चल सके कि वो कैसे कहाँ पे क्या लोकेशन रहेगी उसके साइड। देखिए ये इसकी लोकेशन सेट हो गई है, थोड़ा अंधेरा है, आप लोग नहीं देख पाएंगे अभी फिलहाल, मैं देख पा रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे इसका ये यहाँ पे इसके नीचे ऑन। तो गाइज, मैंने अभी दोनों चीज़ें उनकी उनकी पोजीशन पे लगा दी है, वो उसका मेन यूनिट रहा और ये इसका मैग्नेट सेंसर। और अभी आप देखोगे जैसे ही मैं गेट क्लोज करता हूँ, तो जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है। तो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बस यही है गाइज कि ये और ये एक दूसरे के टच में आने चाहिए, सेंसर जो है वो एक उसके पोजीशन पे लगना चाहिए, तो ये चीज़ प्रॉपर वर्किंग करेगी, अदरवाइज ऐसे तो फिर आपका बैटरी ड्रेन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियोस में।